उस्ताद। उस्ताद अहमद जान फिरकुआ के नाम से बच्चा बच्चा वाकिफ। ये 12 वर्ष की उम्र में शुरू कर दिया था इन्होंने, तबला मालूम है मुझे इनसे। और इनके दादा जान ने जब इनकी उंगलियों को थिरकते देखा तो कहने लगे, भैया अहमद जान तो तुम हो, मगर आज से मैं तो तुमको थिरकुआ कहूँगा। और उस दिन से सारी दुनिया इनको थिरकुआ कहने लग गई। और आज तक इनकी उंगली में वही थिरकन है, वही तवानाई है, वही सेहत है लफ्ज़ों की, और वही इनका काम है। इनकी जहाँ तक मैं नाचीज समझ सका हूँ, इनकी एक तो ये जो थाप है मैदान की, और एक ये जो किनार की चाट है, इसके तो ये वाहिद शख्स हैं हिंदुस्तान भर में। और वैसे सारा ही कोई चीज़ इन्होंने छोड़ी नहीं, बाएँ की दावगांस और घन गरज है वो अपना मुकाबला रखती नहीं। बहरहाल मैं आपको अपना आदाब पेश करता हूँ उस्ताद। ये आदाब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए, गाहे बगाहे आप दिल्ली आया करते हैं, और लोगों से मुलाकात हो गई जी, सब आपकी दुआ है। तो मैं कुछ थोड़े एक दो पहले पेशतर इसके कि आप शुरू करें, कुछ गुस्ताखी करना चाहता हूँ थोड़ी अपनी मालूमात के लिए। इरशाद, ये कहा जाता है कि ये दिल्ली से तबला शुरू हुआ, और उसके बाद लखनऊ गया, बनारस गया, और फर्रुखाबाद गया। और ये कुछ सही है या आप फर्रुखाबाद का अपना घराना था? घराने तो दो ही है जी, एक पूरब फर्रुखाबाद, लखनऊ पूरब ही है ये जी, और एक दिल्ली, पहला दिल्ली और फर्रुखाबाद जी। और वैसे बनारस कुछ और हो गया जी, मगर हम ठीक नहीं, हम सबको अच्छा मानते हैं। वो तो है ही, मगर घराने तो ये दो ही हैं। अच्छा अच्छा, और ये भी, और घराना आधा घराना अजराड़ा भी कहलाता है। जी हाँ, अजराड़ा जी, वो भी अच्छे बुजुर्ग हुए, बड़े अच्छे, बड़े कश्मीरी लोग थे। तो उनके बोल मुख्तलिफ हैं जाहिर है, इससे आड़ है उनकी, और बोल अच्छा, यही है दिल्ली का तबला है। जी हाँ जी। अच्छा, दूसरी अर्ज है कि ये मैंने सुना है कि भाई तबले की जो अपनी खास इसके बोल हैं, और इसमें नकारा और ये ताशा और ये ढोलक वगैरह और पखावज लोग करते हैं ऐसे धूम धाक। जी हाँ जी, मगर गलत होता है। ताशा आ गया हाँ, या ढोल आ गया तो गलत है, और पखावज अच्छा नहीं मानते। पखावज से मिलता है वो खुला हाथ इसमें आ सकता है, आ सकता। आप भी अक्सर वही सुनाऊंगा आपको। जी हाँ, तो अर्ज यह है कि वो पखावज के लिहाज से मेरे ख्याल में आपने जो दाएं का ये मुहाना है, बड़े मुहाने का दायां रखा है, ये कोई बात नहीं है। अच्छा, ये हम सलेफ से ही बजाते हैं, और पहले लोग बड़ी मुहार मजा में थे, सब कश्मीर जितने हुए हाँ, अब डिबिया चल गई है। हाँ, डिबिया उस पर ये निकल भी नहीं सकते मेरे ख्याल में ये। ना ना, जी हाँ, यही मैं अर्ज कर रहा था, और निकालेंगे तो सुर बंद हो जाता है उसका। अब जैसे तिरकट मेरे ख्याल में दिल्ली की और तिरकट है, और फर्रुखाबाद की और है, उसमें थोड़ा तिरकट तो वही है जी, मगर निकाल अलग अलग है। जैसे जैसे दो उंगलियों से धाती जी निकली, और पूरब। अच्छा, खुला हाथ जी। अच्छा, तो बस अब ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं देना चाहता, माफ कीजिएगा, आप अपना। Thank you.
शाबाश। मेहरबानी पूरब सुनाता हूँ आपको जी। खावट कैसे बचती है खुले हाथ से।
नाच में भी चल सकता है जी, हाँ, जी, नाच के साथ जी। इसलिए नखलऊ में इसी चीज की वजह से ये गत्तोड़ा भी, गत्तोड़ा इसीलिए नाम पड़ा है। हाँ जी।